पैक को लगाएंगे और आपको रिजल्ट इतना अच्छा मिलेगा कि आपने कहना है कि भाई वाह, गर्मियों के लिए तो मेरी स्किन के लिए इससे अच्छी रेमेडी हो ही नहीं सकती। इतने कम दामों में घर पे रखी चीजों को इस्तेमाल करके आप कैसे घर पे ये चीजें बना सकते हैं। हमने सब कुछ कर लिया इन गर्मियों में, चेहरे से कालापन नहीं जा रहा है, पसीना नहीं हट रहा है, चेहरा बिल्कुल डल हो चुका है, कहीं पार्टी शादी हो रही है और चेहरे पे शाइनी नहीं है, क्या करूं? आज की रेमेडी बस कर लो और कुछ नहीं चाहती हूँ। आज की रेमेडी अगर आपने कर लिया ना तो आपने कहना भाई वाह, यही तो सोल्यूशन था जो हमें पता ही नहीं था। घर में रखी इतनी कम दामों वाली चीजें हमारे स्किन को इतना ज्यादा ग्लो दे सकती हैं, आज आपको पता लगने वाला है। जो आप महंगे महंगे जाकर के पार्लर में टाइम देते हैं, गर्मी में क्या फेशियल ये वो दिस दैट कराते हैं, वो सारी चीजों को बीट कर सकती है ये सिर्फ दो चार इंग्रेडिएंट जो आपके किचन में अभी भी अवेलेबल है। तो किस वजह से आप वहां पे बैठे हुए, उठिए अपनी जगह पे और चलिए मेरे साथ इस रेमेडी को प्रिपेयर करते हैं। भाई ये रेमेडी इतनी स्पेशल इन गर्मियों के लिए क्यों है? क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना, वन नंबर वन पे है। यस फ्रेंड, इसकी जो है ना, मैंने जो भी इंग्रेडिएंट यूज किया है वो मेरे स्किन को काफी ज्यादा सूट करती है और मैं सच बताऊं, आप किसी भी स्किन टाइप से आ रहे हो आपको भी सूट करने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए बताते हैं, गर्मियों में चेहरे पे कालापन, झाइयां, पिगमेंटेशन या फिर दाने के दाग धब्बे हैं सब भूल जाइएगा। इस रेमेडी को अगर आपने हफ्ते में एक से दो बार भी कर लिया ना, आपने कहना भाई वाह क्या ही बता दिया। तो आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, आप सब जानते हैं, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में एक छोटा सा बेल आइकन बटन होता है, प्रेस किए बिना आगे मत बढ़िएगा। फ्यूचर की जितने भी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी इस छोटे से बेल आइकन बटन से। साथ ही साथ वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिल रहा है लाइक कर दीजिए, आपके लाइक से मैं काफी ज्यादा मोटिवेट होती हूँ। उन लोगों को शेयर करिए जिनको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो चलिए आज की रेमेडी प्रिपेयर। तो इस रेमेडी का जो मेन इंग्रेडिएंट होने वाला है वो है हमारा गेहूं का आटा, जिससे आप रोटियां बनाती हैं। यस फ्रेंड, जो आपके घर में रोटियां बनती है ना, बस आपको वही लेना है जिसे हम व्हीट फ्लोर भी कहते हैं। गेहूं का आटा आपको दो चम्मच ले लेना है। इसमें इतनी कैपेसिटी है ना, चेहरे पे जाकर चिपक जाता है, आपके चेहरे से जितने भी डेड सेल्स है, जितने भी गंदगी है, हटा करके ले करके ही निकलता है। यस फ्रेंड, ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन अप करता है, आपके चेहरे से गंदगी, मैल, टैन को बहुत अच्छे से हटा देता है। तो ये तो मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है, जो आप खाती हैं बस आपको वही तो लगाना है। यहाँ पे कुछ मैं अलग से कुछ तो नहीं दे रही, और गेहूं का आटा आपके घर में तो अवेलेबल होना ही होना है। तो दो चम्मच से आपको क्या करना है, दो चम्मच ले लेना है गेहूं का आटा। एक अच्छा सा बाउल ले लीजिए जिसमें अच्छा सा वाइब आए, जब आप चेहरे पे कुछ लगा रहे हैं अच्छे से वाइब भी तो आना चाहिए। जब आपको अच्छा अच्छा वाइब आएगा तो आपको भी आपके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, ऑब्वियसली बात है। तो आप हैप्पीली से पॉजिटिवली करिए, आपकी स्किन पे वो दिखेगा ही दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है क्या, यहाँ पे आपको लेना है गेहूं का आटा। यस फ्रेंड, गर्मियां इतनी हो रही है और मुझे फैन बंद करके सूट करना पड़ता है, तो प्लीज ध्यान देके सुन लीजिए और कर भी लीजिए और लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ, टोमेटो के पल्प। यस फ्रेंड, आपको लेना है टोमेटो, हाफ टोमेटो आपको ले लेना है, ऐसा लेना है जिसमें रस हो, जिसमें पल्प हो। ये आपके चेहरे पे नेचुरल ब्लीच का काम करती है। ये देखिए कितनी इजीली यहाँ पे पल्प आपका आ जा रहा है। आपको हाफ ही टोमेटो का पल्प ले लेना है, ये चेहरे से जितने भी झाइयां अगर चेहरे पे है, कालापन है, ये हटा देगा आपके चेहरे से, आपके चेहरे को क्लीन करने का काम करता है। इन दोनों को अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। इसके बाद हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट जो होने वाला है वो है यहाँ पे थोड़ा सा आपको लेना है सुगर। यस फ्रेंड, सुगर डालने से क्या होगा, चेहरे पे क्लीन अप करेगा, चेहरे को बहुत अच्छे से जो कहते हैं ना क्लीन कर। स्पेशली गर्मियों में क्या होता है ना, सुगर मेल्ट करने लगता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा चुभेगा भी नहीं। तो इसमें हमने क्या किया है, आधा चम्मच जैसा, एक चम्मच भर करके नहीं लेना है आपको, आधा चम्मच जैसा क्या ले लेना है, सुगर ले लेना है। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें क्या ऐड करने वाले हैं, हम करने वाले हैं एलोवेरा जेल। यस फ्रेंड, एलोवेरा जेल से आपके चेहरे पे फंगल इन्फेक्शन हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, झाइयां, पिगमेंटेशन है या फिर चेहरे पे बहुत ज्यादा टैन हो रखा है, ये ठीक करता है। अगर आपके पास एलोवेरा जेल, बाजारू एलोवेरा जेल नहीं है तो आप प्लांट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास प्लांट का नहीं है तो आप घर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा भी आपके पास जो भी एलोवेरा जेल है। ये नहीं कि आपको मैंने जो दिखाया आपको वही इस्तेमाल करना, आपकी स्किन पे जो सूट करता है आपको वही इस्तेमाल कर लेना है। तो आपने क्या करना है, इसे अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। ये मिक्स नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है ये मिक्स नहीं होगा। इसे मिक्स करने के लिए हम यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं वो स्किप किया नहीं जा सकता है, और वो है हमारा रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध। यहाँ पे आपको कच्चा दूध ले लेना है, गाय का हो, भैंस का हो, बकरी का हो या फिर पैकेट वाला हो, डजंट मैटर। आपको अच्छे से पेस्ट बना लेना है, बस आपको बॉयल नहीं करना है मिल्क को, इसको अच्छे से पेस्ट बना लेना है। ये देखिए अच्छा सा पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सी टर्मरिक भी
इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन बहुत काली पड़ चुकी है, आपको किसी शादी पार्टी या स्पेशल ओकेजन में जाना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टर्मरिक आप जरूर ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। यस फ्रेंड, ऐड किया जा सकता है। इसके बाद आपको क्या करना है, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ। जो भी पैक बनाते हैं अच्छे से मिक्स करिएगा तो आपकी स्किन पे अच्छे से उभर के आएगा। तो हमने यहाँ मिक्स करके रख दिया है। अब चेहरे को सबसे पहले कर लेना है क्लीन। जैसा कि मैं कहती हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी मेकअप नहीं करती हूँ, बट स्टिल आपको यकीन ना हो तो मैं अपने स्किन को स्वाइप ऑफ करके आपके सामने दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ आपको कोई भी मेकअप मेरे स्किन पे नहीं दिखेगा। मैंने थोड़ा सा अपने स्किन इसको वेट किया है और अपने स्किन को कर लिया है क्लीन। यस फ्रेंड, आपको थोड़ा सा रॉ मिल्क लेना है, अपने स्किन पे थोड़ा सा मसाज कर लेना है अच्छी तरीके से। इससे क्या होगा, चेहरे से गंदगी मेल्ट एंड हट जाएगी। आपके स्किन का, आपके जो फेशियल का है फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर के अपने स्किन को क्लीन कर लिया है। अगेन मैं स्वाइप ऑफ करूंगी, आप चाहे तो आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप क्लींजिंग, जो हमारा डन हो चुका है। चलिए सेकेंड स्टेप के लिए बढ़ते हैं, जो है हमारा ये पैक हमें लगाना है और अच्छे से मसाज करते हुए लगा लेना है। तो चेहरे पे लगाने का सबसे बहुत बेस्ट ऑप्शन है, आप अपने हैंड का इस्तेमाल करें, ब्रश का इस्तेमाल करें, जैसे भी आपको लगाना है आप इस पैक को लगाएंगे और आपको रिजल्ट इतना अच्छा मिलेगा कि आपने कहना है कि भाई वाह। गर्मियों के लिए तो मेरी स्किन के लिए इससे अच्छी रेमेडी हो ही नहीं सकती। इतने कम दामों में घर पे रखी चीजों को इस्तेमाल करके आप कैसे घर पे ये चीजें बना सकते हैं और चेहरे पे लगा सकते हैं, ये रेमेडी से आपको पता चल जाएगा। चेहरे पे किसी तरीके के भी फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं, इरिटेशन हो रहे हैं, एक बार इसे लगा के देखिए, सारी चीजें आपकी हट जानी है। गर्मियों में मैं यही सब चीजें करके अपने स्किन को इतना बोलते ना, जो बिना मेकअप के आपके सामने कैमरा के सामने आ सकती हूँ, आप में ये गट्स है ही नहीं। अगर आप में है तो जरूर बनाइए, लगाइए और अपने स्किन को एक्सप्लोर करिए और उन लोगों को भी शेयर करिए जिनको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हम क्या करते हैं, सारा चीज करते हैं पर स्किन केयर रूटीन लेना भूल जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मेरा वीकली स्किन केयर रूटीन है। अगर आपकी स्किन काफी ज्यादा डल है तो ट्रस्ट मी गाइज, आपको इसे रोजाना लगाना है या अल्टरनेट डेज पे लगा लेना है एक हफ्ते तक। उसके बाद आप इसे हफ्ते में दो बार भी करेंगे, तीन बार भी करेंगे चलेगा, मगर आपको शुरुआत में तीन दिन लगातार इसे लगा लेना है। ये देखिए मैंने अपने स्किन पे इसे अच्छे तरीके से लगा लिया। अब मैं बता दूं कि सिर्फ ये फेस के लिए नहीं हो रहा है, बहुत लोग कहेंगे कि सिर्फ फेस पे लगाती हैं और चीजों के लिए नहीं बताती हैं, तो ट्रस्ट मी मैं जो भी पैक बताती हूँ वो आप अपने नेक बैक हेयर को छोड़ के सारी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं जहां टैन बहुत ज्यादा है। अब मिलती हूँ मैं 20 मिनट के बाद, इसे अपने स्किन पे लगा चुकी हूँ, 20 मिनट के बाद दिखाती हूँ कि हटाने के बाद कितना अच्छा रिजल्ट। तो फाइनली मैंने अपने स्किन से इसे कर लिया है रिमूव और आप देख सकते हैं 20 मिनट के बाद कितना अच्छा सा रिजल्ट आ गया है। चेहरे पे कितना अच्छा सा इंस्टेंट में ग्लो आ गया है, चेहरा शाइन करने लगा है, चेहरे पे जितने भी डेड सेल्स थे वो हट गया है, चेहरे पे जितनी भी गंदगी थी मैल थी वो हट गई है। आप देख सकते हैं चेहरे पे जो भी जितनी भी गंदगी थी मेरी वो हट गई है, चेहरा शाइन और ग्लो, सिर्फ दूर से चेहरे पे ग्लो आ रहा है। ट्रस्ट मी गाइस, ये वीडियो पे उतना अच्छा नहीं दिख रहा है जितना आपने करके इस्तेमाल करके आपको दिखना है। देखिए चेहरा कितना ज्यादा ग्लो कर रहा है, कितना ज्यादा चेहरे पे शाइन आ रहा है, मैं क्या ही बताऊं। सो इस रेमेडी को आपने घर पे कर लेना है और आपको भी ऐसा ही ग्लो आपको बैठे बैठाए मिलने वाला है, बिना किसी भी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी भी एक्स्ट्रा चीज यूज किए हुए। इसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा रोज वाटर आपको ले लेना है या फिर अगर आप आइसिंग करना चाहती हैं तो चेहरे पे आइसिंग जरूर करिएगा। इससे क्या होगा, स्वेटिंग कम होगी, चेहरा बहुत ज्यादा ग्लो करेगा। चेहरे पे मेकअप लगाइएगा तो चेहरे से मेकअप हटेगा नहीं, ये मेरा दावा है। तो लो, हमारा जो फेशियल था वो हो चुका है डन। बहुत सिंपल से स्टेप्स थे, मैंने आपको बता दिए हैं, आपको फॉलो करना है। चलिए बताते हैं कौन कौन इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इस्तेमाल करना है, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप 1515 से एबव है आप बिल्कुल डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे अपने स्किन पे लगा सकती हैं। साथ ही साथ 20, 30, 40, 50 वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेल हो या फीमेल हो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना, अगर स्किन बहुत ज्यादा डल है तो हफ्ते में आपको रोजाना पहले शुरुआत तीन दिन लगा लीजिएगा, उसके बाद हफ्ते में तीन दिन आप लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन ठीक ठाक है फिर भी आपको करना है तो हफ्ते में दो से तीन दिन करिए, आपको बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। सो आई होप यू गाइस कि आप समझ गए इसे कैसे प्रिपेयर करना, कैसे एग्जीक्यूट करना, कैसे इस्तेमाल करना।
बहुत सिंपल से स्टेप्स मैंने बता दिया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो से कोई भी नॉलेज मिले लाइक करिए, आपके लाइक से मैं काफी ज्यादा मोटिवेट होती हूँ और बहुत सारी वीडियोज आपके लिए आगे भी लाते रहूंगी। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें और अपने स्किन का तो बिल्कुल ख्याल रखें। बाय।